Dear students, Assalamu alaikum. In this session, we are going to start off from where we left off in our last session. That is, we have started our QuickBooks, and now we are going to create a company file. Why do we need a company file? Because all accounting is going to be done for a single entity, a company. accounting <laughs> company industry. accounting a company. कंपनी के नाम पर की जाएगी जिसे हमें सबसे पहले क्विक बुक्स में रजिस्टर करना है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन हमें रजिस्टर करवानी पड़ेगी नंबर दो इसकी ज़रूरत क्या है इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमारी तमाम रिपोर्टिंग अपने शेयर होल्डर्स के लिए उस कंपनी की रिपोर्ट्स के थ्रू होती है और हम अपने तमाम अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं वो उस कंपनी के रिकॉर्ड में जाते हैं क्विक बुक्स किस तरीके से ये कंपनी क्रिएट करवाती है और मेंटेन करती है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जब हम क्विक बुक्स में एंटर होंगे तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आएगी वो ये वाली स्क्रीन है इसमें अभी कोई कंपनी ओपन नहीं है अगर आप पहले से कंपनी बनाई हुई है वो आप खोल सकते हैं लेकिन क्योंकि हमने अभी तक कोई कंपनी नहीं बनाई तो हमें एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी क्रिएट करने के बहुत से तरीके हैं सबसे पहला तरीका तो ये है कि यहाँ ये बटन लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू कंपनी दूसरा तरीका जैसे कि ये विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जाके आप न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं जैसे ही आपने इस मेन्यू बार के इस आइटम को क्लिक किया क्विक बुक्स आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इसे इजी स्टेप से स्टार्ट करना चाहेंगे तो मेरा मशवरा ये है कि हम ये स्टार्टअप एडवांस सेटअप के थ्रू करें उसकी रीज़न क्या है उसकी रीज़न ये है कि इस तरह हम तमाम वो स्टेप से गुजर जाएंगे जो एक कंपनी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है आपने करना ये है कि आपने या यहाँ से या फाइल मेन्यू के थ्रू न्यू कंपनी क्रिएट करनी और दूसरा काम अदर ऑप्शंस में ले के एडवांस सेटअप को क्लिक करना है जैसे ही एडवांस सेटअप का आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरव्यू कंपनी इन्फॉर्मेशन की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें एक ही रिक्वायर्ड फील्ड है जिसका नाम है कंपनी नेम इधर हम इस कंपनी का नाम दे देते हैं इसके बाद ये हमसे पूछता है कि अगर इस कंपनी का कोई लीगल नेम है जिससे ये रजिस्टर्ड है तो वो भी डालो अगर वो दोनों एक ही हैं तो हम ऊपर से कॉपी करके पेश कर देते हैं तीसरी चीज टैक्स आई डी बाज कंपनियों के पास एन टी एन नंबर होता है और बाज अपने शनाख्ती कार्ड नंबर के तहत चल रही होती है क्योंकि यहाँ सिर्फ नौ डिजिट आप एंटर कर सकते हैं और अगर आपके पास एन टी एन नंबर है तो आप यहाँ डाल दें और अगर नहीं भी है तो यहाँ डालना ज़रूरी नहीं है यहाँ आप अपनी कंपनी का एड्रेस डालें जहाँ कंट्री लिखा हुआ है वहाँ आप जाके चेक करेंगे तो पाकिस्तान का नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा लेकिन फिलहाल ये नाम नहीं है लेकिन इन जल्द यहाँ भी पाकिस्तान का नाम आ जाएगा इस केस में आप यहाँ अदर डाल सकते हैं इसी तरह से फ़ोन नंबर फैक्स नंबर और ई एड्रेस और अपनी कंपनी की वेबसाइट अगर है तो ये ज़रूर रजिस्टर करवा लें याद रहे कि हम ये चीज़ें बाद में भी रजिस्टर कर सकते हैं और जरूरी नहीं कि हम ये पहली दफा में डाल दें लेकिन आपको ये स्टेप करना इसलिए ज़रूरी है कि आपका कंपनी नेम वो नाम है जिस पे हम ये तमाम चीज़ें रजिस्टर करेंगे और यही हमारा पहला स्टेप है अगले स्टेप में आपने नेक्स्ट दबाना है और ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंपनी किस नौीयत का काम कर है सिलेक्ट योर इंडस्ट्री हमारी कंपनी जिसका नाम काराक्रम कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स था नाम से ही जाहिर है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और हम लोग इसको एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी ही रजिस्टर करेंगे कारोक्रम कंस्ट्रक्शन कंपनी जो हमने बनाई है वो एक फर्जी कंपनी है लेकिन हमने उसे क्योंकि अपने आने वाले सेशंस में इस्तेमाल करना है अकाउंटिंग के लिए इसलिए हम यहाँ उसे रजिस्टर कर रहे हैं इधर एक लंबी लिस्ट आपको मिलेगी जिसमें हर किस्म की कंपनी हर किस्म की टाइप ऑफ कंपनी के बारे में लिखा होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो इसलिए हम इसे कंस्ट्रक्शन जनरल कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करेंगे अगली स्क्रीन पे वो हमसे पूछ रहा है कि ये कंपनी क्या आपकी इंडिविजुअल कंपनी है सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या लिमिटेड कंपनी है अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप अदर या नन कर दें लेकिन अगर आपकी ये कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप है कि आप उसके ओनर हैं और आप ही चला रहे हैं तो आप इसे ज़रूर टिक करें और नेक्स्ट का बटन दबाएं। फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर आपके अकाउंटिंग का स्टार्टिंग पीरियड बताता है और फाइनेंशियल ईयर बेसिकली पाकिस्तान में जुलाई से जून तक रहता है और ये वो पीरियड है जिसमें हम अकाउंटिंग कंप्लीट करते हैं और इसी में हम इसके बाद जून में जाके हम देखते हैं कि हमें इस पूरे बिजनेस में मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का तयन इन इस पीरियड में किए गए तमाम इकदाम से होता है अगली स्क्रीन हमसे कहती है कि क्या आप अपनी फ़ाइल के ऊपर कोई पासवर्ड लगवाना चाहते हैं हम चाहेंगे कि हमारी फ़ाइल पे कोई ना कोई पासवर्ड लगे लेकिन फ़िलहाल हम इस पर कोई पासवर्ड नहीं लगा रहे उसकी वजह यह है हम बार बार हम इस फाइल को इस्तेमाल करेंगे और बार बार हमें ये पासवर्ड देना पड़ेगा हमें आसानी के लिए नहीं लगा रहे लेकिन अगर आपका कंप्यूटर किसी और के इस्तेमाल में भी रहता है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड ज़रूर लगाएं अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या मैं आपकी ये फ़ाइल क्रिएट कर दूँ तो इसका जवाब है कि आप ये फ़ाइल क्रिएट कर दें अब ये पूछेगा कि ये फाइल मैं कहाँ क्रिएट करूँ ये फ़ाइल आप वहीं क्रिएट कराएँ जहाँ ये आपको सजेस्ट कर रहा है इसने आपकी कंपनी का पूरा नाम इस्तेमाल किया है उसे इस्तेमाल करने दें और इसे जाके यहाँ सेव का बटन दबाएं। अब आपकी फाइल कंपनी की क्रिएट हो रही है और चंद सेकेंड में ये क्रिएट हो जाएगी अब हम आगे आने वाले तमाम अकाउंट रिलेटेड रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस इस फाइल के ऊपर करेंगे